कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। मटेरियल बाजार के बारे में बात करेंगे, जानेंगे क्या रेट मटेरियल बाजार में आज के देखा जा रहा है। दिल्ली और मुंबई के मार्केट में किस तरह का कारोबार आप देख सकते हैं। बात करेंगे एलएमई और एमसीएस के बारे में, बेस मेटल में किस तरह का उतार चढ़ाव और ट्रेंड चल रहा है विस्तार से इस बारे में जानेंगे। मगर उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मटेरियल बाजार के बारे में बात करते हैं। मटेरियल बाजार में एक्सपायरी, आज आखिरी दिन है एक्सपायरी का, और एक्सपायरी के बाद बाजारों में आज हल्के फुल्के सुधार के साथ कारोबार देखा जा रहा है। निचले स्तर से हल्की सी रिकवरी के साथ बाजारों में कारोबार हुआ है। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग से एक्सपायरी वाले दिनों में काफी गिरावट दर्ज करी गई थी। कीमतों के बारे में बात करते हैं तो कॉपर का लेवल ज्वेलरी में देखा जा रहा है वो 8,798 रुपए है, 753 रुपए एमसीएस का रेट है। एल्युमिनियम के बारे में बात करते हैं, 2355 रुपए एलएमई का लेवल चल रहा है, 208 रुपए एमसीएस का रेट है। लेड में 2106 रुपए एलएमई का लेवल है, 183 रुपए एमसीएस का रेट चल रहा है। लेड के बाजार में जिंक के बारे में अगर बात करते हैं तो 2990 रुपए का लेवल चल रहा है एलएमई में। जिंक के बाजार में 267 रुपए का रेट आप एमसीएक्स में जिंक के मार्केट में देखकर चल सकते हैं। गोल्ड के बारे में बात करी जाएगा तो 1819 रुपए 90 पैसे का लेवल बाजारों में कॉमर्स में देखा जा रहा है। 55,375 रुपए का लेवल एमसीएक्स में चल रहा है। सिल्वर में 22.66 रुपए पैसे का लेवल कॉमर्स में है। 62,800 रुपए का रेट आप एमसीएक्स में सिल्वर यानी चांदी के मार्केट में देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं तो 75.80 रुपए का लेवल कॉमर्स में चल रहा है, और 6,293 रुपए पर एमसीएक्स में क्रूड ऑयल में कारोबार देखा जा रहा है। इसके बाद अगर बात करी जाए दिल्ली के बाजार के बारे में तो दिल्ली के मार्केट में कॉपर सुपर एचडी का रेट 774 है, कॉपर आर्मेचर कीमत 734 चल रही है। एल्युमिनियम बर्तन का रेट बाजारों में 179 है, एल्युमिनियम वायर स्टेट कीमत 205 चल रही है, एल्युमिनियम पुर्जे का रेट 161 है। जिंक में हिंदुस्तान की कीमतें 270 हैं, लेड का रेट 183, एलआई बीटी कीमत 202 चल रही है। बैटरी स्क्रैप में 102/122 रुपए पर का रेट आप मार्केट में देखकर चल सकते हैं। निकल की कीमतें 2105 है, टिन आगे का रेट 2225 देखा जा रहा है। ब्रास स्टील कीमतें 461 रुपए चल रही हैं, और एसएस बर्तन स्क्रैप में 72 रुपए का रेट मार्केट में आप देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मुंबई के बाजार के बारे में तो मुंबई के मार्केट में कॉपर केबल स्क्रैप पर 745 रुपए का रेट चल रहा है। कॉपर आर्मेचर कीमतें मुंबई के बाजार में 715 रुपए देखी जा रही है। एल्युमिनियम स्क्रैप का रेट बाजारों में 168 है। जिंक इंगट की कीमतें मुंबई के मार्केट में 268 है। लेड इंगट का रेट 195 है। टीन इंगट की कीमतें 2250 है। निकल कैथोड का रेट आप 2175 रुपए देखकर चल सकते हैं। तो बाजारों में एक्सपायरी के बाद हल्का सुधार देखा गया है। निचले स्तर से थोड़ी सी रिकवरी आई है। बात करते हैं ट्रेडिंग रेंज के बारे में तो कॉपर में रिकवरी को देखते हुए 727 रुपए का एक अच्छा लेवल देखा जा रहा है मार्केट में, और 733 रुपए का रेजिस्टेंस लेवल चल रहा है कॉपर के बाजार में। लेड के बारे में बात करते हैं तो 182 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है, 184 रुपए का रेजिस्टेंस लेवल चल रहा है। जिंक के मार्केट में 265 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है, 272 रुपए का रेजिस्टेंस लेवल जिंक के मार्केट में आप देख कर चल सकते हैं। निकल के बारे में बात करते हैं तो निकल के बाजार में एक अच्छा सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो 2080 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है, और रेजिस्टेंस लेवल 2120 रुपए देखा जा रहा है। तो निचले स्तर से हल्की सी रिकवरी आई है। बेस मेटल जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक और निकल, इन सब में बाजारों में आप यहां से जरूरत के हिसाब से खरीदारी गिरावट पर करके चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड आज के लिए स्लाइटली पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हैं तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।